दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो पर। आई होप कि आप लोग वीडियो का शुरू में इस Realme Narzo 50i का सिनेमैटिक वीडियो देख चुके होंगे और इस Realme Narzo 50i का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके आप लोगों को बताऊंगा इस मोबाइल फ़ोन को खरीदना सही होगा या फिर गलत होगा। तो आप लोग जानने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर बने रहे। और दोस्तों, आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा के लिए मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, ये है Realme Narzo 50i का बॉक्स के ऊपर के साइड देख सकते हैं Narzo बराबर करके ब्रांडिंग और Narzo 50i लिखा है और बॉक्स का राइट साइड और लेफ्ट साइड पर Narzo बाय Realme लिखा है और बॉक्स के नीचे के साइड मोबाइल सेट के अलावा क्या कुछ एक्सेसरीज मिलते हैं लिखा है। आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो सीधा अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। और बॉक्स के ऊपर के साइड Realme का ब्रांडिंग और एक क्यूआर कोड और बॉक्स के पीछे डिटेल्स को हाईलाइट किया है। 5000 mAh मैसिव बैटरी और पावरफुल ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 6.5 इंच का लार्ज डिस्प्ले, डेडिकेटेड स्लिम स्लॉट दिया है। तो ऑलरेडी सील को ब्रेक कर दिया था और बॉक्स को इस तरह से स्लाइड करके ओपन करना होगा और ऊपर का जो पैकेज इसको साइड रखता हूँ। और बॉक्स के अंदर सबसे पहला ये जो पतला सा और एक बॉक्स है और ऊपर फील द पावर Narzo बाय Realme। बैक साइड इस तरह से ओपन करना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं सिम इजेक्टर टूल दिया है। इसके जरिए आप लोग सिम ट्रे टूल को निकाल पाओगे और इसको अनफोल्ड करने के बाद देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिया है अंदर। ये है Realme का सेफ्टी गाइड और एक है क्विक स्टार्ट गाइड, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। और इस डॉक्यूमेंटेशन को साइड रखता हूँ और बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं ये जो हमारा जो मेन मोबाइल फोन है, इस मोबाइल का कलर है कार्बन ब्लैक। फोन का एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। फोन पे 6.5 इंच का HD+ LCD नॉच डिस्प्ले है और ऊपर के साइड 5 MP का सेल्फी कैमरा दिया है और बैक साइड ऊपर 8 MP का रियर कैमरा और फ्लैश, नीचे के साइड स्पीकर गिल और बैक साइड पे डायगोनल स्ट्रिप डिजाइन है। फोन का राइट साइड देख सकते ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और नीचे पावर की और लेफ्ट साइड ऊपर है सिम स्लॉट। ये है डेडिकेटेड सिम स्लॉट, देख सकते दोनों सिम कार्ड और एक माइक्रोएसडी कार्ड। और फोन के नीचे के साइड 3.5 mm वाला हेडफोन जैक और माइक का गिल और मिडिल पे है माइक्रो एसपी और ऊपर के साइड नीट एंड क्लीन, कुछ नहीं है। अब मैं फ़ोन का पावर की को प्रेस करके फ़ोन को फटाफट से बूट कर लेता हूँ और बॉक्स के अंदर मोबाइल के अलावा और कुछ क्या है देख लेता हूँ। इसको मैं साइड नंबर कर रखता हूँ। देख सकते नॉर्मल 10W आउटपुट वाला एडेप्टर दिया है, पोर्ट है USB A और एडेप्टर के अलावा यहाँ पर एक डाटा केबल दिया है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, USB Type A to माइक्रो USB। और इसके अलावा बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है। दोस्तों, देख सकते फ़ोन बूट होकर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया और फ़ोन का जो रिफ्रेश रेट है नॉर्मल 60Hz रिफ्रेश रेट वाला और डिस्प्ले जो है HD+ LCD इन सेल डिस्प्ले है। फ़ोन का डिस्प्ले भी अच्छा है और टच सेंसिटिविटी अच्छा है। आप सेटिंग को ओपन करके अबाउट फ़ोन को खोल के आप लोगों को दिखाते हो। देख सकते अबाउट फ़ोन पर डिटेल्स मेंशन किया है, डिवाइस नेम Narzo 50i और Realme का UI वर्सन गो एडिशन, पावरफुल ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ आते हैं और इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है और इसका रैम है 4GB और इंटरनल स्टोरेज 64GB और दोनों सिम पर साइमल्टेनियसली वोल्टी एनेबल है। और फोन के ऊपर के साइड नेविगेशन बार पर देख सकते जो Realme का जो बजट रेंज पर जो आता है। और आप फोन का कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करके आप लोग को दिखाते हो, जैसे कि फोन का जो रियर कैमरा है 8 MP का और जो फोन कैमरा है 5 MP का। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कैमरा मोड, वीडियो मोड, कैप्चर मोड, पोर्ट्रेट मोड और एक है मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन पे देख सकते हैं प्रो मोड भी है। नॉर्मल जो बजट रेंज पर मोबाइल पर जो भी फीचर्स मिलते हैं कैमरा मोड वही यहाँ पर दिया है। और आप इस मोबाइल का बैक एंड फोन कैमरा से अलग अलग मोड पे क्लिक किया हुआ हर एक फोटोज का सैंपल आप लोग देख लीजिए। कैमरा का क्वालिटी अच्छा ही है और वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा ही है 10,000 रुपीज़ के अंदर मोबाइल से। आप डिस्प्ले के लिए YouTube वीडियो प्ले करके आप लोगों को दिखाते हो। देख सकते हैं ये जो 1080p वीडियो है, डिस्प्ले का क्वालिटी और जो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा ही नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं। और आप म्यूजिक प्ले करके आप लोगों को दिखाते हो। इस फोन का स्पीकर का साउंड क्वालिटी कैसा है। और आप लोग सुन पा रहे इस मोबाइल का जो स्पीकर का क्वालिटी अच्छा ही है। दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन को जब मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था 4GB रैम और 64GB वेरिएंट के लिए 8,999 रुपीज़ पड़ा था और इस प्राइस रेंज के हिसाब से इस मोबाइल फ़ोन सही है, डिस्प्ले भी सही दे रखा और बैटरी बैकअप ज़्यादा यूज़ करोगे तो एक दिन पूरा चल जाते हैं और आप लोग नॉर्मल यूज़ करोगे तो 1.5 दिन तक आराम से चल जाएगा बैटरी बैकअप। इस मोबाइल का और एक खास बात है, रिवर्स चार्जिंग सपोर्टेड है और हीटिंग इसी भी ठीक ठाक ही है। फ़ोन को ज़्यादा समय तक यूज़ करने पर भी ज़्यादा हीट नहीं होता है। दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो इस मोबाइल को परचेस कर सकते हो। इस Realme Narzo 50i का बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप लोग चाहो तो सीधा वहाँ पर क्लिक करके मोबाइल फ़ोन को परचेस कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को इस वाली वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना और कोई भी जानकारी जानना चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखना मत भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।